independently, they can stand and they can financially support their families as well. And that is the beauty of this project. That means they are helping them to impart certain skills and which will become their source for the livelihood in future. We are very much thankful to the Indian Army. And right now, यहाँ पे आजकल 26 जनवरी आने वाला है. They are making the flags. They are making the flags, and then they will distribute to the locality to make aware people. 26 January is the Republican Day of India. इंडियन आर्मी ही एक ऐसी संस्था है जिसकी वजह से हम अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने घर परिवार को पाल सकती हैं और समाज में आगे बढ़ सकती हैं। हमारे गांव में इंडियन आर्मी ने एक सिलाई सेंटर खोला है जहां पर यहां की सभी लड़कियों को कटिंग करना और काज करना और सिलाई की ट्रेनिंग दे रही हूं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम भी ये तिरंगा अपने हाथों से बना पाएंगे। 26 जनवरी आने वाली है, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस सिलाई सेंटर से 200 तिरंगा हमने अपने हाथों से बनाकर लोगों में बांटे हैं। हमने इस नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया है। ये सब इंडियन आर्मी ही की वजह से है। हम इंडियन आर्मी से बहुत खुश हैं। इंडियन आर्मी की जय।